भारत में भी अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BA.2.75 की पहचान हुई है, लेकिन वैज्ञानिक इसके साथ दूसरे वेरिएंट को लेकर अधिक चिंतित हैं, जो अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। ये वेरिएंट वायरस के स्पाइक प्रोटीन संरचना में 9 तरह के बदलाव कर चुके हैं, जिनमें कुछ डेल्टा की तरह इम्यूनिटी कम करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। मृत्यु दर या फिर अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। जानकारी के अनुसार इसराइल के वैज्ञानिकों ने भारत में नए वेरिएंट मिलने की पुष्टि की थी, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं इस कॉन्ग ने बताया है कि भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट पहले से मौजूद हैं। BA.2.75 वेरिएंट भी अभी कुछ समय पहले मिला है, लेकिन इससे ज्यादा चुनौती BA.4 और BA.5 वेरिएंट की है, जो कि सीधे इम्यूनिटी कम कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्य में मिले हैं। इस अकाउंट के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि वेरिएंट हाल ही में हाईलाइट हुआ है, अलग अलग राज्यों में इसकी मौजूदगी का पता चला है। इसमें स्पाइक प्रोटीन सहित 9 अद्वितीय परिवर्तन हैं। ओमिक्रॉन में BA.4 और BA.5 उप प्रकारों की तुलना में ये अधिक व्यापक रूप से फैल रहा है। महीनों बाद आया है बदलाव। नई दिल्ली स्थित IGIB के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि लंबे समय बाद कोरोना वायरस में बदलाव आया है। ओमिक्रॉन के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव है जो कई महीनों बाद देखा गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर बात करें तो यदि आप स्पाइक प्रोटीन में उत्परिवर्तन को देखते हैं तो ये थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि G446S वायरस की RBD में जो मानव रिस्पेक्टर को बांधता है, ये इम्यूनिटी पर असर भी डालता है, जो संक्रमण या फिर टीकाकरण के लिए शरीर में बनती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।